नमस्कार साथियों, सभी का अपने चैनल सक्सेस की 90 में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ इतिहास का अर्थ, महत्व और जानने के स्रोत। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे इतिहास का अर्थ, इतिहास का महत्व एवं जानने के स्रोत, पुरातात्विक मुद्रा एवं अभिलेख, साहित्यिक विवरण, विदेशी यात्राओं का विवरण, तिथि निर्धारण पद्धतियाँ। इतिहास का अर्थ ऐसा ही हुआ से माना जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए हिस्ट्री और ग्रीक शब्द में हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वास्तविक अर्थ में क्या घटित हुआ, अर्थात सार्वजनिक घटनाओं का एक क्रमबद्ध लेखा। इतिहास का जन्म आदिकालीन माना जाता है। सर्वप्रथम 500 ईसा पूर्व मनुष्य ने के कार्य एवं विचारों को क्रमबद्ध रूप प्रदान करने का प्रयास हेरोडोटस ने किया। इस कारण हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता या पिता कहा जाता है। इतिहास के प्रमुख विद्वानों ने निम्नलिखित रूपों में परिभाषा प्रस्तुत किया है। प्रोफेसर घाटे के अनुसार इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। हेनरी जॉनसन के अनुसार भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास कहलाता है। रैप्सन के अनुसार इतिहास घटनाओं व विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। जोन्स महोदय के अनुसार इतिहास जीवन के अनुभवों का एक खान है जो हमें वर्तमान को समझने में बड़ी सहायता प्रदान करती है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर इतिहास का अर्थ अथवा इतिहास क्या है यह स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे क्या है इतिहास का महत्व क्यों और यह जानने के प्रशिक्षु से निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम लोग किस बिंदु पर चर्चा करेंगे, जैसे जीवन में सहायक, ज्ञान वृद्धि का साधन, मानसिक परिपक्वता, व्यापक दृष्टिकोण का विकास, व्यावहारिक जीवन में उपयोग, देश प्रेम की भावना को जागृत, वर्तमान को समझने में सहायक, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गुणों का विकास। आगे है इतिहास का महत्व। इतिहास के महत्व को विभिन्न परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित प्रकार से निरूपित किया जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों को याद करने से छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास होता है। विभिन्न संस्कृतियों तथा सभ्यताओं के अध्ययन से कल्पना शक्ति का विकास होता है। विभिन्न राष्ट्रों, समाजों, संस्कृतियों, परंपराओं तथा संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतिहासिक सामाजिक वातावरण को प्रभावित करता है, जिससे हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के बारे में निर्णय कर सकते हैं। विभिन्न जातियों और समुदायों के पारस्परिक सहयोग से ही देश की उन्नति हुई है। इतिहास भावात्मक और राष्ट्रीय एकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान की प्रमुख समस्या जीविका निर्वाह में इतिहास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास से हमें इस समस्या का समाधान प्राप्त होता है। वास्तव में किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति ईमानदारी एवं मेहनत से कार्य कर तभी सफल हो सकता है जबकि उसे अपने देश का इतिहास पता हो। इतिहास राष्ट्र की अतीत की भावनाओं, घटनाओं का प्रकाश डालता है। बिना अतीत को ठीक प्रकार से समझे हम वर्तमान को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए इतिहास के द्वारा धैर्य, सहानुभूति और कर्तव्य परायणता की भावना का विकास किया जा सकता है। विभिन्न घटनाओं का अध्ययन कर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अंत में सदैव सत्य की जीत होती है। ऐसे निष्कर्षों से हम नैतिकता का विकास करते हैं। वर्तमान सामाजिक संस्थाएं किस प्रकार विकसित हुई इसका उत्तर इतिहास ही देता है। किसी भी देश अथवा क्षेत्र का इतिहास पढ़कर प्रशिक्षु वहां के राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास की जानकारी प्राप्त कर अपने सामान्य ज्ञान का विकास कर सकते हैं। इतिहास उनकी विभिन्न जिज्ञासाओं की पूर्ति में सहायक होता है। इतिहास की गौरवपूर्ण घटनाएं एवं देश के प्रति सम्मान की भावना पूर्वजों द्वारा
भूमि की सेवा जैसे दृष्टांतों से वैसे ही कार्य करने का प्रेरणा प्रदान करने में भी इतिहास महत्वपूर्ण साधन रखना है। अगला, इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने का कोई प्रामाणिक साधन नहीं है। इससे क्लिफ्ट एलिफ्टन ने लिखा है कि भारतीय इतिहास को सिकंदर के आक्रमण से पूर्व की किसी महत्वपूर्ण घटना की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती है। इसके सात वर्ष बाद कोवल ने लिखा, हिंदू काल में हम उस समय तक के इतिहास की घटनाओं का विस्तार पूर्वक तथा निश्चित रूप से वर्णन नहीं कर सकते जब तक भारत अन्य राष्ट्रों के संपर्क में नहीं आ गया। प्राचीन काल में हिंदुओं की ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध में उदासीनता के प्रति फ्लिट महोदय ने लिखा, यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या प्राचीन काल में हिंदुओं की प्रवृत्ति इतिहास की ओर थी? क्या उसने गुण था? वे सच्चे इतिहास को तर्कपूर्व तथा विस्तार रूप में लिख सकें। ये संक्षिप्त सारगर्मित परंतु सीमित ऐतिहासिक रचनाएं कर सकते थे, परंतु कोई प्रामाणिक यथार्थ तथा विश्वस्त ऐतिहासिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं था जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उन्होंने इतिहास लिखने की मानसिक शक्ति थी। अब इसी की अगली कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे कि 11वीं शताब्दी के अलबरूनी नामक प्रसिद्ध मुसलमान विद्वान भरतवर्ष आया। उसने इस संबंध में लिखा, हिंदू लोग इतिहास की ओर विशेष ध्यान नहीं देते थे। वे कालक्रमानुसार वंश परिचय देने में बड़ी असावधानी रखते हैं। जब सूचना देने के लिए विवश किया जाता है तब वे लोग किंकर्तव्य विहूढ़ होकर कथाएं कहना आरंभ कर देते हैं। इन कठिनाई के होते हुए भी विद्वानों ने बड़े परिश्रम के साथ अन्वेषण कर प्राचीन भारत के इतिहास की खोज निकाला। विद्वानों ने जिन साधनों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया वे निम्नलिखित हैं, अनैतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक सामग्री और विदेशी यात्राओं एवं लेखक विवरण। अनैतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत भारत के अनेक प्राचीन ग्रंथ आते हैं। इन धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। ये ग्रंथ निम्नलिखित प्रकार से हैं, जैसे वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। अब यहाँ पर इसका वैदिक साहित्य में क्या क्या है, तो वेद आते हैं, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अर्थवेद है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण और स्मृतियाँ। बौद्ध साहित्य में आता है जातक, पिटक, मिलिंद पनोह, दीपवंश, महावंश, महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, शादरानंद, रिव्यावदान, मंजुश्री, मूलकल्प, कालावतार। जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, आचार रंग सूत्र, कालिका पुराण, भगवती सूत्र, कलाकोश, त्रिलोक, प्रज्ञत्रित, लोक विभाग, पुण्याश्रव कथाकोश, आराधना कथाकोश, आवश्यक सूत्र और स्रावी रावरी। तो ये सारे हैं हमारे जितने भी हम लोगों ने वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य के अंदर स्टडी करना है वो सारी चीज़ें हैं। वेद हिंदुओं के प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं। इनके चार संख्या है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। वेदों से हमें ऐतिहासिक बातों का ज्ञान होता है, जैसे आर्य लोग भारत के विभिन्न भिन्न भागों से किस प्रकार फैले, उनमें कौन कौन से आंतरिक विभाजन थे, उन्हें दस्युओं से किस प्रकार युद्ध करना पड़ा, ये सारी स्टडी करना है। वैदिक काल में भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशा कैसी थी, ये हमको स्टडी करना है। उपनिषद की बात कर ले, ब्राह्मण एवं उपनिषद। तो ब्राह्मण एवं उपनिषद ग्रंथों से हमें परीक्षित
के बाद तथा बिंबिसार के पहले इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। जिन ब्राह्मण ग्रंथों के ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त हैं वे ऐतरेव, शतपथ, तैवरीय, पंचविस हैं। उपनिषद ग्रंथों में परीक्षित तथा उसके पुत्र जन्मेजय, उनके उत्तराधिकारी तथा राजा जनक की ओर संकेत है। उपनिषदों की संख्या 106 है। यह वैदिक चिंतन की चरम परिणति है। अगर ये आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा तो अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको क्लियर दिखाई देने लगेगा। सूत साहित्य में क्या था हमारा कि उपनिषद के उपरांत सूत्र साहित्य का प्रारंभ होता है। सूत्र साहित्य 3 भागों में विभक्त है, जैसे कल्प सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। धर्म शास्त्र तथा माध्य ठीक है भाष्य एवं टीकाएं। भारतीय धर्मशास्त्र से संबंधित ग्रंथ तथा उन पर लिखे गए भाष्य एवं टीकाएं में कानून तथा सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के संबंध में रखने वाली प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री भरी पड़ी है। बौद्ध साहित्य में देख लें ठीक है, तो आप लोग यहाँ से सारी चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। पुराण ठीक है, पुराण की बात कर लेते हैं। महाकाव्य क्या है तो रामायण और महाभारत ऐसे 2 महाकाव्य हैं जो तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक रक्षा पर काफ़ी प्रकाश डालते हैं। रामायण में हमें हिंदू एवं यवनों तथा शकों को संघर्ष का पता चलता है। महाभारत में हमें ब्राह्मण की स्थिति का ज्ञान होता है। इसके साथ ही सिथियन यूनानी एवं बैक्ट्रियन जातियों का भी पता चलता है। पुराणों की संख्या यदि हम लोग देख लें तो 18 होती है। इसमें देवी देवताओं की कथाएं सम्मिलित है ठीक है। और अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं जैसे यूनानी लेखक ठीक है, विदेशी यात्राएं या विदेशी विवरण में हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखता है। तो यूनानी लेखकों में सर्वप्रथम हेरोडोटस तथा थेटियस ठीक है हैं। हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत तथा भारत राज से संबंध में लिखा था। थेटियस एक डॉक्टर था तथा उसे यात्रा द्वारा प्राप्त आश्चर्यजनक कहानियों के संग्रह करने का बड़ा चाव था। इस क्रम में यूनानी लेखक मेगस्थनीस सेनलुकस का राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। मेगस्थनीस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में भारतीय संस्थाओं, भूगोल तथा उत्पत्ति के संबंध में लिखा है। चीनी लेखक चीन का भारत के साथ प्राचीन काल से व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध था। चीनी यात्री फाहयान 399 ईस्वी में भारत आया। उसने लगभग 15 वर्ष तक भ्रमण करने के पश्चात अपने देश लौटकर अपनी यात्रा का वर्णन किया। इसी प्रकार चीनी यात्री वेनसांग का भी बहुत ऊँचा स्थान है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपनी यात्राओं का वर्णन पाश्चात्य संचार के लेख में किया है। यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें न केवल तात्कालिक राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशा का वर्णन है वरन प्राचीन कथाओं का भी वर्णन है। इस प्रकार चीनी यात्री इतसिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। उसने नालंदा एवं विक्रमाशिला में निवास कर वहाँ के बारे में लिखा था। तिब्बत के लेखक तिब्बत के लामा तारानाथ के ग्रंथ मौर्य काल के उपरांत एक इतिहास को जानने में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। इसके बिना शक पार्थियन एवं कुणाल लोगों के भ्रमण का पता नहीं चलता है तथा बौद्ध धर्म के इतिहास की पूर्ति इनके बिना नहीं हो सकती है। आगे मुसलमान लेखक देख लें तो इस लेखक में अलबरूनी का महत्वपूर्ण स्थान है। यह महमूद गजनबी के समय भारत आया था। इसने तहरीक हिंद में भारतवर्ष और यहाँ के लोगों की स्थिति का वर्णन किया है। यह पुस्तक 1033 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें हिंदुओं के रीति रिवाज, विवाह, साहित्य का अच्छा वर्णन है। इसके अतिरिक्त अन्य मुसलमान लेखक सुलेमान अल मसूदी, हसन निज़ाम, फिरिश्ता, निज़ामुद्दीन आदि
इनकी रचनाएं भी भारतीय समाज पर प्रकाश डालती हैं। मार्को पोलो, वेनिस का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो 1294 से 95 ईस्वी में लगभग दक्षिण भारत आया था। उनके विवरण भारत की न केवल राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा पर प्रकाश डालते हैं, वरन तिथियों की क्रमबद्धता में भी सहायता पहुंचाते हैं। अभिलेख, प्राचीन भारत में इतिहास जानने के अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय साधन है। अभिलेखों को हम दो भागों में विभक्त करते हैं, जैसे देशीय और विदेशी अभिलेख। देशीय अभिलेख को हम पुनः दो भागों में विभक्त करते हैं, अशोक के अभिलेख और अशोक के बाद के लेख। तो अशोक के अभिलेख यानी अशोक के संपूर्ण राज्य में शिलाओं एवं स्तंभों पर लेख लिखवाए थे। ये लेख राजाज्ञाओं तथा घोषणाओं के रूप में पाए जाते हैं। यह लेख अशोक के जीवन एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं, तत्कालीन इतिहास जानने में सहायक करते हैं। यह खरोष्ठी एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के बाद के अभिलेखों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी लेख प्रधानता प्रशस्तियों एवं भूमिदानों के रूप में पाए जाते हैं। प्रशस्तियों राज्य कवियों द्वारा सम्राटों की प्रशंसा में लिखी गई, और गैर सरकारी लेखों की संख्या सरकारी लेखों से कहीं अधिक है। इनमें सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक दशा का प्रकाश पड़ता है। विदेशी लेख एशिया माइनर में बेगस कोई के लेखों में वैदिक देवताओं का उल्लेख है। इस लेख में भारत के प्रवेश के पूर्व आर्यों का पर्यटन का पता चलता है। ईरान के पर्सिपोलिस तथा नकशेरुस्लम के लेखों से प्राचीन काल में ईरान एवं भारत के संबंधों का पता चलता है। मुद्रा की बात कर लें तो प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में मुद्राओं की सबसे बड़ी सहायता मिलती है। इन मुद्राओं का वर्णीकरण रीति से कर सकते हैं, जैसे प्राचीन मुद्राएं और यूनानी मुद्राएं। आगे सिथियन एवं पार्थियन मुद्राएं और भारतीय मुद्राएं। ठीक है, अब स्मारक की बात कर लेते हैं। तो देशी स्मारक चिन्ह, तो तक्षशिला में जो खुदाई हुई उसने कुशाल काल के कालक्रम के संदेह को अधिकांशतः दूर कर दिया। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि कम से कम 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, और विदेशी स्मारक चिन्ह की बात कर लेते हैं। जावा एवं कम्बोज में जो स्मारक चिन्ह उपलब्ध हैं उनसे भारत की कला का ही नहीं वरन प्राचीन काल के उपनिषद स्थापना की अभिरुचि का भी ज्ञान प्राप्त होता है। जावा में अनेक देवालय एवं प्राचीन स्मारक प्राप्त हुए हैं, जिनसे हिंदू धर्म संस्कृति का पता चलता है। मलाया में एक देवालय तथा कुछ पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ के निवासी हिंदू थे, जो शिव, पार्वती, गणेश, नंदी आदि की पूजा करते थे। तिथि निर्धारण की बात कर लेते हैं, तो तिथि निर्धारण के अभाव के कारण भी प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन की कठिनाई होती है। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार प्राचीन भारत के लोग तिथिक्रम की अपेक्षा युग परंपरा को और घटनाओं की अपेक्षा विचारधाराओं को अधिक महत्व देते हैं। इतिहास व्यक्तियों का स्थान सिद्धांत ले लेते हैं। इतिहास केवल युग प्रवर्तक पुरुषों के ही संबंध में विशेष रूप से लिखा मिलता है। तो अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप लोग यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। अगर आप लोग को इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आप लोगों को, अगर हमारे नीचे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है वहाँ से जुड़ेंगे तो मैं वहाँ पर जो है इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल के आइकॉन को दबा दें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल पर जुड़े रहें। चलिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।